नगर परिषद क्षेत्र के पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। तमाम जो नगर परिषद क्षेत्र के सभी पार्षदों ने एक सुर में कहा, हमारी मांगे परिषद के उदासीन रवैया एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए हम लोग आज धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम धरने पे ही बैठे रहेंगे। वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय पहुंचे तो उनका कार्यालय के बाहर से ही वापस भेज दिया गया, कार्यालय के अंदर जाने नहीं दिया गया। इसको लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि हम उनकी आंदोलन के साथ है और उनकी मांगे जायज है। वहीं रामगढ़ क्षेत्र की समाज सेवी पार्षद अबरिन मंजन ने कहा, नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के लिए सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता रहा, इसलिए अंत में अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन जारी करने का फैसला लिया गया जो अंत तक जारी रहेगा। चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं वार्ड 11 की पार्षद अमरीन मंजर, मनुआ हैसला मेरा क्षेत्र पड़ता है और वो ग्रामीण क्षेत्र को एक तो पहले नगर में कर दिया गया, लेकिन डे वन से जब से हम लोग जीत कर आए हैं उस दिन से हमारी ये मांग रही है, हमारी ये रिक्वेस्ट रही है, हमारी डिमांड रही है कि हमारे क्षेत्रों में बिजली और पानी, जो ये मतलब सबसे ज़्यादा जो जनहित का मुद्दा है, इसके बिना हम लोग रहने का जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव में थे तब तक सब्र था कि हाँ हम लोग गांव में हैं, थोड़ा सा कमी है, लेकिन नगर में आने के बाद भी आज हम उसी स्थिति में हैं जिसमें पहले थे। तो 3 साल जब से हम लोगों को ये आश्वासन दिया जा रहा है इस दिवाली में आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके वार्ड में लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी, पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी और हम लोग इस उसको क्या कहेंगे, जैसे होता ना कि बच्चों को लुभाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है कि हाँ ठीक है आपको हम दे देंगे, लेकिन हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं हुई। चुनाव हुआ है उस समय मतलब कार्यपालक नहीं था, उस समय मतलब SDO था, तो कार्यपालक काम मतलब और SDO के काम संभालता था। उस समय तो हम लोग 32% आवाज उठाते थे जो हम लोग के लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, हाँ हाँ करते गए। आज मतलब यहाँ आने से मतलब 3 गो अथी कार्यपालक चल गया, लेकिन आज से हम लोग के मतलब लाइट उठ नहीं दे रहा है ना। हम लोग को हर जगह देखिए हम लोग के बरगलाने काम कर रहा है, यहाँ जैसे मतलब ये लोग मतलब तसली करता है पैसा के खाली और हम लोग के पार्षद के मोहरा बना के रख रहा है। पार्षदों का मांग जायज है और आज धरना में बैठे हैं, तो 15 दिन पहले सूचना किए थे अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, कार्यपालक पदाधिकारी को, हम लोगों ने 15 दिन पहले सूचना दिया था, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के रवैया के कारण आज सभी पार्षद धरना पर रुक गए हैं। आज हम लोग 4 साल पहले से कई बार हम लोगों ने निविदा भी निकाली, लेकिन सरकार और सरकार के प्रतिनिधि कार्यपालक पदाधिकारी के उदासीन रवैये के कारण आज तक अभी तक हम लोग का नगर परिषद क्षेत्र में LED लाइट नहीं लगा है, जबकि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए सभी जगह हर एक खम्भा में LED लाइट लगा है, लेकिन हम लोग शहर होने के बावजूद भी 4 साल में आज तक नहीं लगा पाए हैं। तो कहीं न कहीं कार्यपालक पदाधिकारी के उदासीन रवैया और सरकार के उदासीन रवैया के चलते आज तक LED लाइट नहीं लगा है। और जो आज पार्षदों का धरना आज है, तो कार्यपालक पदाधिकारी से सभी नाराज होकर आज धरना पर बैठे हैं। अगर चाहते कार्यपालक पदाधिकारी आज धरना में ये लोग नहीं बैठते। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया 15 दिन में, लेकिन इन लोगों ने मानने को तैयार नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि कार्यपालक पदाधिकारी किसी की तवज्जो नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। सभी का एक ही कहना था कि पदाधिकारी कोई जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते, बल्कि उसको बेइज्जत करने का काम करते हैं। इसलिए हम सरकार से और विभागीय सचिव से मांग करना चाहते हैं कि जो
पार्षदों का मांग है उस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, ध्यान देकर के इसको सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद।